Hello friends, welcome to Law & GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. In today's video, we are going to discuss all the questions of CPC, which came in the exam paper of Madhya Pradesh Judicial Services from the year 1996 to 2022. I hope ki ye videos aapke liye badi useful rahengi. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही beneficial रहेगा. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon. Question number 11. Which of the following order of CPC is related to written statement? इतना simple question. Order 8. ऑर्डर 6 में क्या है? प्लीडिंग्स. ऑर्डर 7 क्या है? प्लेंट. ऑर्डर 9 क्या है? अपीयरेंस ऑफ पार्टीज. टू इज द आंसर. नेक्स्ट इज 12. गार्जियन एड लिटम. गार्जियन एड लिटम होना चाहिए था, एड लिटम लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या होता है? एक लोकल कमिश्नर, कोर्ट, ए पर्सन डिफेंडिंग ए सूट ऑन बिहाफ ऑफ इनसेन पर्सन, या पर्सन अपॉइंटेड बाय कोर्ट टू डिफेंड और सूट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर. तो आंसर इज 4. तो कोई माइनर हो तो कोर्ट अपॉइंट कर सकता है उसके बिहाफ पर, उसके सूट को डिफेंड करने के लिए. एंड प्रोविजन का है इसका ऑर्डर 32 रूल 3. ऑलराइट, नेक्स्ट इज 13. डिक्री हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 22. क्या इजी क्वेश्चन पूछे हुए यार. आंसर रहेगा 3. इसी क्वेश्चन नंबर 14. डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 10 रूल 1A. 1 इज द आंसर. कितने इजी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. नेक्स्ट इज 15. क्लरिकल अर्थमेटिकल एरर्स जो होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर ठीक कर सकते हैं. क्या इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं यार. मुझे लग रहा है इसकी कट ऑफ बड़ी हाई जाएगी इस बारी, अराउंड 85 आई वुड से. नेक्स्ट इज 16. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इट इज हेल्ड दैट इनहेरेंट पावर हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट. इट इज पावर इनहेरेंट इन अ कोर्ट. मनोहर लाल चोपड़ा, वेरी इजी केस. 1 इज द आंसर. कितने सीपीसी तो इतना इजी पूछ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना इजी था. नेक्स्ट 17. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एज कंटेन इन सेक्शन 11 इज बेस्ड ऑन मैक्सिम इंटरेस्ट रिपब्लिका. ये टी नहीं आता, ठीक है, या उत भी आना चाहिए, यूटी सिथ फिनिस लिथियम. आंसर इज 2. लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिले का मतलब क्या है कि लॉ डज नॉट रिक्वायर टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. एग्जीक्यूशियो जूरिस नॉन हैबिट इंजूरियम. इसका मीनिंग क्या होता है? इफ एन एक्शन इज ब्रॉट इन अ कोर्ट विच हैज ज्यूरिडिक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड एंड नो इंजरी इज कोर्ट, एक्शन कैन नॉट बी ब्रॉट फॉर द सेम. मतलब वेयर देयर इज नो इंजरी, नो एक्शन कैन बी ब्रॉट टू द कोर्ट. ठीक है, 2 इसका आंसर है. नेक्स्ट इज 18. वेर एनी पर्सन डाइज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग बट बिफोर प्रोनाउंसिंग जजमेंट, तो क्या होगा? सूट शैल अबेट, शैल नॉट अबेट, डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट वेदर इट अबेट और नॉट. सूट शैल नॉट अबेट, सो 2 इज द आंसर. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एमपी के ये. और प्रोविजन कहाँ पर है? ऑर्डर 22 रूल 6. नेक्स्ट इज 19. द जजमेंट डेटर इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रेज ऑब्जेक्शन दैट द ट्रायल कोर्ट हैड नो ज्यूरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर. तो कैन ही रेज दैट ऑब्जेक्शन, ये पूछा हुआ यहाँ पर. ही कैन नॉट रेज सच ऑब्जेक्शन अनलेस द रेज द ऑब्जेक्शन बिफोर द ट्रायल कोर्ट हैज चैलेंज द सेम ऑब्जेक्शन ओनली बाय द वे ऑफ फाइलिंग एन अपील. ही कैन रेज द सेड ऑब्जेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एग्जीक्यूशन कोर्ट. इसका आंसर क्या रहेगा? ही कैन नॉट रेज सच ऑब्जेक्शन, बिकॉज अगर उसको ज्यूडिशन का ऑब्जेक्शन था तो डिग्री पास होने से पहले वहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट है वहीं उठाना चाहिए था. प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 21 में, जहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन. और वहाँ पर मेंशन किया गया है, सेक्शन 1 में ही लिखा गया कि नो ऑब्जेक्शन हैज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपलेट और डिविजनल कोर्ट अनलेस ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस. नेक्स्ट इज 20. नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर अंडर ऑर्डर 32 रूल 7 कैन एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट बट कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज अ सूट. कैन नीदर एंटर एग्रीमेंट नॉर कॉम्प्रोमाइज सूट. कैन एंटर इन टू एग्रीमेंट विदाउट द लीव बट कैन एंटर इन टू कॉम्प्रोमाइज. कैन एंटर इन टू एग्रीमेंट एंड ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज सूट विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट. इसका आंसर क्या रहेगा? 2. विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट दे कैन नॉट एंटर इन टू
एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज, ऑर्डर तो बता ही दिया है. नेक्स्ट इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी द अरेस्ट डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिक्री 56. क्या इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं यार. आंसर है 2. नेक्स्ट 22, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पोजेशन फॉलोज टाइटल. इट वॉज नाजिर मोहम्मद वर्सेज कमला. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 23, ए बी सी डी एंड ई आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल ऑफ रुपीज 1000 अंडर अ डिग्री ऑब्टेन्ड बाय एफ. ए ऑब्टेन्स अ डिग्री ऑफ रुपीज 1000 अगेंस्ट एफ सिंगली एंड अप्लाइज एग्जीक्यूशन कोड इन विच द जॉइंट डिग्री इज एग्जीक्यूटेड. क्या ये जो है सेट ऑफ हो जाएगा. एफ में ट्रीट द जॉइंट डिग्री एज क्रॉस डिग्री, कैन नॉट ट्रीट द जॉइंट डिग्री एज क्रॉस डिग्री. देखिए यहाँ पर एक क्रॉस डिग्री की बात कर रहे हैं, क्या उसको क्रॉस डिग्री माना जाएगा. एफ मे ट्रीट हिज जॉइंट डिग्री एज अ क्रॉस डिग्री विद परमिशन ऑफ कोर्ट. आंसर क्या रहेगा. एफ मे ट्रीट हिज जॉइंट डिग्री एज अ क्रॉस डिग्री. प्रोविजन तो लिखा ही हुआ है और 21 रूल 18 में, और ये कौन सा है? ये है इलस्ट्रेशन डी ऑफ रूल 18. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल. ऑर्डर 35A ये अपीलेबल है, 95 ये भी अपीलेबल है, 99 ये भी अपीलेबल है. रूल 9 ऑफ ऑर्डर 26. अब नाउ व्हाट इज ऑर्डर 26 इज कमीशन. कोर्ट कमीशन इशू करता है एंड रूल 9 किस लिए है. कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन. इसका आंसर क्या रहेगा. 4. ऑलराइट. नेक्स्ट 25, अंडर सेक्शन 37 सीपीसी इन रिलेशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास अ डिक्री इज डीम्ड टू इंक्लूड द कोर्ट विच पास अ डिक्री और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वेयर डिक्री हैज बीन पास्ड इन एक्सरसाइज ऑफ एप्लेट ज्यूरिडिक्शन या फिर एप्लेट कोर्ट वेयर डिक्री हैज बीन पास्ड. इसका आंसर क्या रहेगा. 1 and 2 बोथ विच पास अ डिक्री एंड कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वेयर डिक्री हैज बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ एप्लेट ज्यूरिडिक्शन. आंसर है इसका बोथ. और ये 37 में ही मेंशन किया गया है. नेक्स्ट 11, सीपीसी का क्वेश्चन आ गया. अब ये वेयर डिग्री इज फॉर द पार्टीशन ऑफ एन अनडिवाइडेड एस्टेट एसेस टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. द पार्टीशन ऑफ द एस्टेट शैल बी मेड बाय कलेक्टर या फिर बाय कोर्ट पास डिग्री एग्जीक्यूटिंग कोर्ट या फिर इशूइंग कमीशन बाय द कलेक्टर. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 12, ए फाइल्स अगेंस्ट बी वन सूट ऑन 6 January 2020 एंड ऑन द सेम ग्राउंड आस्किंग फॉर द सेम रिलीफ अनदर ऑन 18 February 2020. द सूट फाइल इन फरवरी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूडिशन ऑन मेरिट्स बिफोर द सूट फाइल इन जनवरी कुड बी डिसाइडेड. एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट दैट सूट फाइल्ड ऑन 6 January 2020 इज वैलिड एंड रेस जुडिकाटा विल अप्लाई ऑन द सूट फाइल इन फरवरी एज इट वॉज फाइल्ड लेटर. क्या यहाँ पर रेस जुडिकाटा लगेगा. कितने लोग कहते हैं कि लगेगा. यहाँ पर नहीं लगेगा बिकॉज जब डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी और उसके बाद आप जो है सूट फाइल करते हो तब आरजे लगता है. जब एक मैटर चल रहा है ऑलरेडी, दूसरा मैटर आपने फिर फाइल कर दिया तो उस पर क्या लगता है, रेस सब जुडाइज लगता है यहाँ पर. ठीक है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई. तो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. No woman can be arrested and detained in civil prison in execution of a decree except for the execution of a decree for payment of money. अभी तो वाइस वर्सा लिख दिया, ये हो गया wrong. In execution of decree of payment of money, उस पर arrest नहीं कर सकते, तो यही wrong हो गया. Books of accounts and right to personal service, right to future maintenance shall not be liable for attachment, बिल्कुल ठीक है. Where a decree is to be sent for execution to another court, the court which pass a decree shall send a decree to such other court whether or not such court is situated in same state. बिल्कुल ठीक है ये. With the holder of a decree for the possession of immovable property or the purchase of any such property sold in execution of a decree is arrested or obstructed by any person obtaining possession of the property, he may make an application to the court complaining of such resistance or obstruction. बिल्कुल ठीक है ये. ये mention किया गया है order 21 rule 97 में. तो 1 इसमें आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है ये वैसे, 56. ये है सेक्शन 60 में. ये ऑप्शन 3 इज इन सेक्शन 39. नेक्स्ट इज 14, सीपीसी अगेन. इफ द सोल प्लेंटिफ डाइज आफ्टर द हियरिंग ऑफ द सूट वाज कंक्लूडेड, द सूट शैल अबेट या फिर कंटिन्यू एज इट इज या फिर कंटिन्यू एलआर या फिर कंटिन्यू ओनली इफ एन एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड. नो, कंटिन्यू एज इट इज आफ्टर हियरिंग हुआ है ना,
तो इट विल बी डीम्ड एज कि वो जजमेंट के बाद ही गया है. आंसर 2 रहेगा इसका. कहाँ मेंशन किया गया है ये? ऑर्डर 22 रूल 6 में. नेक्स्ट 15. इन ए सूट फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी द सूट कैन बी विड्रॉन कॉम्प्रोमाइज अबैंडन बाय द प्लेंटिफ विदाउट नोटिस आफ्टर नोटिस टू ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड. 2 इज द आंसर. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन ऑर्डर 23 रूल 3B में. नेक्स्ट 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. एवरी सूट बाय और माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाय पर्सन हु इज इन सच सूट शैल बी कॉल्ड द नेक्स्ट फ्रेंड. ये बिल्कुल ठीक है. ये कहाँ लिखा गया है? ये इन ऑर्डर 32 रूल 1 में. नेक्स्ट इज नो टेम्परेरी इंडक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 ऑफ CPC वेयर नो परपेचुअल इंडक्शन कुड बी ग्रांटेड इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3841. दिस इज करेक्ट. फिर वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट द कोर्ट मे ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एनी प्रॉपर्टी वेयर वेदर बिफोर आफ्टर द डिक्री. ये भी ठीक है. नन ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स. 4 इज द आंसर. रिसीवर की अपॉइंटमेंट कहाँ होती है? ऑर्डर 40 में. नेक्स्ट 17. सूट फॉर पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट इमोवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट विद इन अ लोकल लिमिट ऑफ हूज ज्यूरिडिक्शन विद द प्रॉपर्टी सिचुएटेड ऑब्वियसली. 1 इज द आंसर. सेक्शन 16 विल बी एप्लीकेबल. नेक्स्ट 18. व्हाट इज द लिमिटेशन टू फाइल एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7. देयर इज नो सच टाइम पीरियड सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 19. An application for withdrawal of suit has been filed along with the permission for grant of liberty to file fresh suit. In such application, court can allow the application without leave to file fresh suit, या फिर allow reject application in toto, या फिर can pass appropriate order. तो reject या allow the application, 2 is the answer. और कहाँ पर है ये? In order 23 में. Next is 20. Under order 21 rule 37, before passing an order for the arrest or detention in the civil prison of judgment debtor, court shall issue show cause notice instead of warrant. May issue warrant of arrest if it is shown on affidavit that judgment debtor is about to abscond. Ya phir shall issue attachment warrant before arrest warrant. Ya phir 1 and 2 are correct. To 1 and 2 jo hai ye correct hai. To 4 isme answer ho gaya. Next is 21. Where an injunction has been granted without notice to the opposite party, the court shall make an endeavor to finally dispose of the application within 30 days from the date of which injunction was granted. 30 din ka time period hai, to 1 iska answer ho gaya. Ka mention kiya gaya hai ye? It is mentioned in order 39 rule 3A. Next 22. Which among the following is not correct in relation to consideration of order 21 rule 90? There must be material irregularity or fraud in publishing or conducting of sale. तो बिल्कुल ठीक है. It must say to conduct of sale alone. It is not necessary. तो ये incorrect हो गया. The applicant must have sustained substantial injury. बिल्कुल ठीक है. Such injury must have been caused by material or irregularity or fraud. बिल्कुल ठीक है. तो 2 इसमें answer रहेगा. Next 23. A suit in representative capacity can be filed by virtue of ऑर्डर 1 रूल 8. सब जानते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है. तो 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 24. वेयर अ सूट इज अबेटेड और डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 22 ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन ए न्यू सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज. नहीं, नया सूट नहीं आ सकता. तो 3 इज द आंसर. मेंशन इन ऑर्डर 22 एंड रूल 9. नेक्स्ट 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. According to section 9 of CPC, the court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is expressly barred. बिल्कुल ठीक है ये. According to section 9, CPC, the court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting the suit of which their cognizance is impliedly barred. बिल्कुल ठीक है ये. अब देखिए, दोनों ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर expressly और impliedly होता है, तो इन्होंने यहाँ पर अलग अलग लिख दिया. अब उसको यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा लिख दिया, तो अब इसमें आंसर क्या लगाओगे? आंसर इज 3. 3 लगाना है, दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन द लॉ रिलेटिंग टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड सेक्शन 89 ऑफ द CPC इन द केस ऑफ. कौन सा केस था ये?
That was Afcon Infrastructure versus Chezen Varghese Construction Company. So 2 is the answer. Next is 12. An appeal under order 43 CPC shall lie from which of the following orders? अब देखिए जो ये आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा वहां पर जो ऑर्डर्स लिखे हुए हैं उन पर अपील हो सकती है नहीं हो सकती, तो वो पूछा हुआ है यहाँ पर कौन कौन से ऑर्डर हैं। वो ऑर्डर 43 में लिखा हुआ है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, वहां पर ऑर्डर्स लिखे हुए हैं कि कौन से प्रोसीजरल ऑर्डर के अंदर जो ऑर्डर हुआ है जो कि अपीलेबल है वो बताना है आपको। ऑर्डर 7 रूल 11 दैट इज डिक्री है ना, रिजेक्शन ऑफ पेनल्टी इज डीम्ड डिक्री, तो ये तो हो गया रॉन्ग। फिर ऑर्डर 22 रूल 9 में रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल ऑफ ए सूट, क्या अपीलेबल है? यस अपीलेबल है। ऑर्डर 7 रूल 1 नॉट परमिटिंग द डिफेंडेंट टू प्रेजेंट द प्लेंटी, इस पर नहीं हो सकती अपील, इज नॉट अपीलेबल ऑर्डर। फिर ऑर्डर 14 रूल 5 रिफ्यूजिंग टू स्ट्राइक आउट द इशू एट द इंस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द पार्टी, ये भी नहीं अपीलेबल। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर इज 2, 2 इज द आंसर। देखिए ये रहा ऑर्डर 43 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, और इसमें देखिए ऑर्डर 7 रूल 10 और 10A का ऑर्डर है उस वो अपीलेबल है एज पर ऑर्डर्स। फिर ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 13, ऑर्डर 11 रूल 21, ऑर्डर 21 रूल 34, फिर 21 में ही 92 72, देखिए 22 और ये देखिए रूल 9 ये लिखा हुआ ना यहाँ पर। तो ऑर्डर 7 में सिर्फ जो रूल 10 में है 10A उसमें ही जो है वो ऑर्डर अपीलेबल है, 8 का तो इसमें है ही नहीं कहीं पर भी। तो ये 12 9 तो ये हो गया, ये ऑर्डर 22 रूल 9 वाला तो यहाँ पर है ही और 10 भी है, तो ऑर्डर 14 भी इसमें नहीं है, तो 2 ही आंसर हो गया। नेक्स्ट 13, डिक्री अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट शेल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, सो 3 इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये देखिए ये है सेक्शन 82 और देखिए यहाँ पर ये सब सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है, एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिक्री अनलेस इट रिमेन अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कंप्यूटेड फ्रॉम डेट ऑफ सच डिक्री, तो 3 इज द आंसर। सेक्शन कौन सा बता दिया? 82। नेक्स्ट इज 14, द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 सीपीसी इज to elucidate the matter in the controversy in the suit of it, to record evidence and to secure admissions, to elucidate the matters of controversy in the suit, 1 is the answer। Order 10 hai is examination of parties by the court। Next is 15, provision for setting aside ex parte decree is, abhi dekhiye abhi baat ki thi humne, ye this is also an appealable order hai na, ऑर्डर 9 रूल 13 में लिखा हुआ है, तो ये 3 इसका आंसर हो गया, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट इज 16, अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट प्रोनाउंसिंग द जजमेंट यस, बीइंग ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड यस, सस्टेनिंग अ क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ लॉ इन्फोर्स्ड इन इंडिया, ऑल ऑफ दीज, सो 4 इज द आंसर। सेक्शन बता ही दिया 13। नेक्स्ट इज 17, द प्रोविजन फॉर स्पेसिफिक डिनाइल इज प्रोवाइडेड इन, देखिए है तो ऑर्डर 8 में, देखिए सारे ऑर्डर 8 लिखे हुए हैं बट रूल कौन कौन से हैं, ये स्पेसिफिक डिनाइल इज प्रोवाइडेड इन रूल 5 ऑफ ऑर्डर 8, तो 5 देखिए एक ही ऑप्शन में है, दोनों आगे 3 एंड 5 है ना। 3 में क्या लिखा हुआ? डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, और फिर 5 में लिख दिया स्पेसिफिक डिनाइल, दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट, तो 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 18, द कोर्ट कैन इशू कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अंडर ऑर्डर 26 है, देखिए लिखा हुआ है ऑर्डर 26 ही है, रूल कौन सा है? दैट इज रूल 10A, 1 इज द आंसर। 10B किसके लिए है? मिनिस्ट्रियल एक्ट के लिए, और 10C किसके लिए है? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, 11 किसके लिए है? फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 19, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी एन ऑर्डर ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज वैरिड और सेट असाइड, ऑर्डर तो 39 दे ही दिया सब में, रूल कौन सा है? ये है रूल 4, तो 4 ही इसका आंसर हो गया। 5 में क्या है? इंजंक्शन टू कॉरपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर्स, 7 किसके लिए है? डिटेंशन प्रिवेंशन एंड इंस्पेक्शन एटसेट्रा के लिए, 2A किसके लिए है? ब्रीच ऑफ इंजंक्शन के लिए है ना।
Next is 20. Who has right to make an application for amendment of a judgment and orders under section 152 CPC? तो person aggrieved, person aggrieved with permission of the court या फिर any of the party. तो party है उनको ही तो allow करेंगे. 3 is the answer. Next is 21. The court is required to appoint a guardian ad litem for a minor plaintiff only या फिर defendant. गार्जियन किसके लिए अपॉइंट करते हैं? फॉर अ माइनर डिफेंडेंट ओनली. प्लेंटिफ के लिए कौन होता है? नेक्स्ट फ्रेंड. तो 2 इसका आंसर रहेगा. और गार्जियन एट लिटम का ये प्रोविजन कहां पर है? इन ऑर्डर 32. एस इज 22. वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और 3 ऑफ ऑर्डर 9, क्या फ्रेश सूट लेके आ सकते हैं? प्लेंटिफ इज डिबार्ड फ्रॉम फाइलिंग फ्रेश सूट या फिर ओनली रेमेडी इज टू seeking setting aside of such order या फिर only remedy is to bring fresh suit. A plaintiff may bring a suit or he may apply for order to set the dismissal aside. दोनों ही option हो गए फिर इसमें तो 4 is the answer. और ये order 9 के rule 4 में ही लिखा हुआ है. Next 23. At the stage of evidence, counsel or the plaintiff filed an application for adjustment which were rejected and suit was dismissed for the want of evidence. The plaintiff has a remedy. Fresh suit लेके आएगा या फिर first appeal करेगा या फिर application लगाएगा under order 9 rule 9 की या फिर revision. Application लगेगी order 9 rule 9 में. 3 is the answer. 4 setting aside such dismissal. Fresh suit लेके नहीं आ सकते. This is 24. In execution proceeding before trial court, a person filed application under order 21 and rule 97 on the ground that he was bona fide purchaser of said property. His objection is maintainable because he has a bona fide purchaser. He is आना चाहिए ना. Is not maintainable because his list pendants prohibits a party from dealing with property which is subject matter of the suit. If is maintainable because he has not filed independent suit, can be heard only if party permits. Is not maintainable because his dependence prohibits a party from dealing with property which is subject matter of the suit. मतलब केस चल रहा है और उसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. 2 इसका आंसर हो जाएगा. Next is 25. Legal provision for restoring to party on modification, verification, reversal of a decree what has been lost to him in execution of a decree or in direct consequence of decree is, क्या होता है वो? That is called as restitution under section 144. Restitution. So 3 is the answer. This is 11 CPC questions aa gaye ab. Under order 32 rule 9 of CPC, an ex-friend of a minor can be removed if he ceases to reside in India during the pendency of a suit. Yes. Where his interest becomes adverse to that of minor, yes. Where he does not fulfill any duty or obligation, all of these ho jayenge. Ye 4 is the answer. This is 12. Which section of CPC embraces the principle of restitution? That is 144. 2 is the answer. Bahut hi common question hai ye to. This is 13. Under CPC, when application for review is dismissed, appeal can be filed against the order. या फिर नो अपील लाइज या फिर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर. नो अपील लाइज. रिव्यू कब करते हैं? जब रिव्यू कब करते हैं जहां पर कोई अपील लाई ना करे और अपील लाई कर रही बट प्रेफर नहीं की है ना. रिव्यू का सेक्शन कौन सा है? 114 सीपीसी. ऑर्डर कौन सा है? 47. 2 इसका आंसर रहेगा. 14. Where in an order allowing amendment, no time is prescribed, then amendment can be made from date of order in within 14 days. 2 is the answer. कहाँ provide किया गया है? In order 6 rule 18 में. Next is 15. Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavor to finally dispose of the application within 15, 30, 60, 90. 30 days. 2 is the answer. Ka mention kiya gaya hai ye? And where this is mentioned in order 39. Rule kaun sa hai? Rule hai 3A. Next 16.
No arrest detention in civil imprisonment can be made if decree is for payment of not exceeding rupees 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. It is 2,000. One is the answer. Kaha mention kiya gaya hai ye? It is mentioned in section 58, 1A mein. Next is 17. As per 148 CPC, the court may enlarge the prescribed period for maximum 30 days. So 2 is the answer. This is 18. Even after ex parte proceeding, the defendant can take part in further proceeding of the suit. The principle was pronounced by the Honorable Supreme Court in the case of Arjun Singh versus Mahinder Kumar. 4 is the answer. Next is 19. Judgment and decree passed by court which lacks inherent jurisdiction is a nullity, or it would never operate as RJ, or it can be challenged in subsequent suit, or all of these are correct. All of these are correct. 4 is the answer. Next is 20. Under which provision decreed amount may be directed for payment in installment after passing the decree? That is order 20 hai ye. Rule kaun sa hai? Rule hai ye 11. 2 is the answer. Next is 21. Suit for declaration and injunction in respect of public nuisance under section 91 can be instituted by an individual without the leave of the court? No. An individual? No. Two or more person without? No. Two or more person with the leave of the court? 4 is the answer. Either attorney general, advocate general, or two or more persons. Next is 22. Dismissal of suit by court under order 17 rule 3 CPC. Only remedy available to plaintiff is to file an appeal. Appeal kar sakte hain isme. 1 iska answer rahega. Order 17 kiske liye hai? Adjournments ke liye. Okay. Next 23. Suit was filed on 20/11/2012. It has been specifically pleaded that cause of action arose on 6/10/12. Defendant appeared and without filing WSC filed an application under Order 7 Rule 11 the ground that suit barred by limitation. State what is the correct legal position. Application under Order 7 Rule 11 is not maintainable because return statement should be filed firstly. If the plaintiffs have rejected because suit is barred by law of limitation, no. Dismissed of application will be proper objection. Will be proper. Objection could not be decided without recording of evidence of the parties. Application should be allowed because plaint does not discuss correct cause of action. No. 3 is ka answer rahega. Yeah, dismissed of dismissing of RRC application will be proper. Objection could not be decided without recording evidence of the parties. Next 24. A civil suit was repeatedly fixed by the trial court for examination of the defendant's witnesses, but the said opportunity was not availed by a defendant. Therefore, on 18/11/2016, when neither of the defendant nor his counsel had appeared, the trial court had proceeded ex parte and heard the final arguments and reserved the case for judgment on 28/11/2016. The defendant had filed an application under Order 9 Rule 7 read with 151 CPC. Maintainable or non-maintainable? It is non-maintainable. 2 is the answer. Kyun? Jab ex parte kar diya hai to uske liye setting aside ex parte degree ke liye jo hai lagana chahiye. Order 9 rule 7 mein to kya hoga? Ye hai order 9 and rule 7. Kya likha hua? Procedure when defendant appears on the day of urgent hearing and assign good cause of previous non-appearance. Dekhiye, yahan to ex parte ho gaya hai. Because देखिए क्या लिखा हुआ 7 में the court has adjourned the hearing of the suit ex parte मतलब adjourn हो गई है hearing the defendant at or before such hearing appears और उस hearing में अगर appear हो यहाँ तो judgment जो है already reserve हो चुका है evidence भी हो चुके हैं तो ये applicable नहीं होगा 2 इसका answer रहेगा next 25 which one comes in preview of formal defect for withdrawal of suit under order 23-13 of CPC Want of notice under 80 CPC of a confusion regarding identification of suit property of improper valuation of suit. All of these, 4 is the answer.
इसी क्वेश्चन नंबर 11, ए डिक्री फॉर इंजंक्शन इफ नॉट ओबेड देन क्या होगा, इज नॉट एग्जीक्यूटेबल या फिर इज एग्जीक्यूटेबल बाय डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन और बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. बिल्कुल ठीक है ये. इज एग्जीक्यूटेबल बाय फाइलिंग ए पिटीशन अंडर ऑर्डर 39(2)(a) या फिर बाय फाइलिंग ए फ्रेश सूट. टू इसका आंसर रहेगा. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, इन ऑर्डर 21 रूल 32 में. नेक्स्ट इज 12, ए डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज एग्जीक्यूटेबल. वहीं उसी में ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऑर्डर 21 रूल 32 में ही, बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और डिटेंशन. डिटेंशन इन सिविल प्रिजन नहीं हो सकता, बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है. तो टू इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉम्प्रोमाइज अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ सीपीसी. इट मस्ट बी साइंड, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज, या फिर ये बिल्कुल ठीक है, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड नीड टू बी लॉफुल एग्रीमेंट. यस, इट इज रिक्वायर्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉम्प्रोमाइज इज द सेम एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. नो, ये कोई जरूरी नहीं है. A compromise which is voidable under the Indian Contract Act shall also be voidable within the meaning of this rule. ये भी ठीक है. तो incorrect कौन सा हुआ इसमें से, 3. 3 is the answer. Next is 14. Where a suit is dismissed under Rule 8 of Order 9 CPC in respect of same cause of action, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit या फिर may bring a fresh suit या फिर may not apply to set aside. मे अप्लाई सेट असाइड तो कर ही सकता डिसमिसल ऑफ ऑर्डर. अब इन दोनों की बात रह गई है तो बिल्कुल रॉन्ग ही हो गया. अब दोनों में से एक ठीक होगा, कौन सा, ही कैन नॉट ब्रिंग अ फ्रेश सूट. 1 इज द आंसर. और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूल 9 में. किसका, ऑर्डर 9 के ही रूल 9 में. एक्चुअली 15, ए डिसीजन ऑफ फाइंडिंग गिवन बाय कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, कैन ऑपरेट एज रेसिडुकाटा. नो, कैन नॉट ऑपरेट एज रेसिडुकाटा. 2 is the answer. Next is 16. A suit for partition of property situated in different cities. कैसे करेंगे? Separate suit have to be filed. No. Can be instituted in a city where any property is situated. बिल्कुल ठीक है ये. Can be instituted in a city where majority of property of the maximum value is situated. Any property is situated. 2 is the answer. और ये कहाँ mention किया गया है? ये mention किया गया in section 17 of CPC. Next is 17. Under section 148 CPC, the court can enlarge the time not exceeding in total 30 days. So 4 is the answer. Next is 18. A suit may be defeated due to non-joinder of the proper party, as a misjoinder of necessary party, if a non-joinder of necessary party. 3 is the answer. Next is 19. Suit against government shall not be instituted until the expiration of the notice देते हैं 1 month का, 3 month का, 2 month का. 2 month का notice होता है. 2 month after notice in writing has been delivered. 2 is the answer. Requirement कहाँ पर है, section 80 of CPC में. Next is 20. Principle of res judicata does not apply. किस पे apply नहीं होता, to writ of habeas corpus. बिल्कुल ठीक है. Interlocutory order इन पे हो जाएगा, dismissal order ये भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा. तो 1 इसका आंसर रहेगा. Next is 21. Which of the following is a right of civil nature? Right to share in offering in a temple. बिल्कुल ठीक है ये. Right to take out possession ये भी है. Right to worship in temple ये भी है. All of these हो जाएगा. 4 इसका आंसर रहेगा. Next is 22. According to order 20 rule 7 CPC, the decree shall bear the date. The day on which judgment was passed या फिर on decree was made या फिर plaint was filed या फिर on which final argument has been heard, was heard. So 1 इसका आंसर रहेगा, the day on which the judgment was pronounced. Next 23, where a suit is abated or dismissed under order 22 CPC on the same cause of action. तो क्या fresh suit लेके आ सकते हैं? No, no fresh suit shall be brought. 2 is the answer. Next is 24. The provision in respect of summary procedure has been laid down under कहां पर summary procedure, in order 37. So 4 is the answer. 34 में क्या है, mortgage suit.
Next 25, which provision order of CPC deals with production, impounding and return of document? That is order 13. One is the answer. Order 5 kya hai? Summons. Order 17 kya hai? Adjournments. Order 24 kya hai? Ye hai payments into court. One iska answer rahega. Next question 11. A suit filed for compensation for a wrong done to a person or immovable property shall be instituted in a court within whose jurisdiction the wrong was done if resident if a defendant resides. The defendant personally works for gain. Any of these three options, 4 is the answer. Ka mention kiya gaya in section 19 of CPC. Next is 12. In a suit against central government, the authority to be named as defendant is kon hai? President, Prime Minister, Minister of Concerned Department या फिर Union of India. किसके नाम पे होते हैं वो सब? Union of India के नाम पर होते हैं. 4 is the answer. और ये कहाँ mention किया गया है? This is mentioned section 79 of the CPC. This is 13. In an execution proceeding, what is the liability of the legal representative of the deceased judgment debtor? It is under no liability at all, or फिर liable only to the extent of the property received by him from deceased judgment debtor, or फिर absolute coextensive with that of judgment debtor, and no matter that he received no property from the deceased. Liable only to the extent of the property received by him. 2 is the answer. And this is mentioned in section 52 of the CPC. Next is 14. No permission to sue as indigent can be granted if the application does not disclose a cause of action. Toh reject ho jayegi ye. Phir hai any other person has agreed to finance the litigation, tab bhi reject ho jayegi. The interest in the applicant in subject matter stands transferred to another person, tab bhi ho jayegi. All of the above ho gaya. 4 iska answer ho gaya. Ka mention kiya gaya hai? Indigent person ke bare mein likha gaya hai order 33 mein aur ye hai rule 5. Next is 15. Attachment of portion of salary can be continued for maximum period of kitna hota hai? 6, 12, 24, 36. 24 months. So 3 is the answer. Ka mention kiya gaya hai in section 60 ka 1. Phir usme clause B ka proviso. Wahan likha hua hi hai. Dekhiyega ek bari. Next 16. Under which of the following condition a plaint cannot be rejected? Plaint ko reject nahi kar sakte. It fails to disclose the cause of action, then reject ho jayegi. Not file duplicate, then ho jayegi. The plaintiff failed to comply with the provision of Order 7, Rule 9. Then bhi ho jayegi. It is filed in a court of incompetent jurisdiction. So, yahan par kya hota hai? Yahan par return hoti hai plaint. Theek hai na? Order 7, Rule 10 ke according. Aur answer kya rahega iska? 4. Rejection of plaint ke bare mein kaha mention kiya gaya hai in Order 7, Rule 11. Next 17. Which of the following statement is incorrect? Temporary injunction may be granted only at the time of institution of suit. No, at any stage kar sakte hain. Ye bilkul theek hai. Fir regulated by the CPC. Yes. Our form of preventive relief bhi theek hai. Tino theek hain ye. To one iska wrong answer hai. One is the answer. TI ke bare mein kahan likha gaya hai? Order 39 mein. This is 18. An ex parte decree can be set aside. कौन से ऑर्डर के अंदर करेंगे? 9 के अंदर. रूल कौन सा लगेगा? 13. 3 इज द आंसर. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आता रहता है हर एग्जाम में. नेक्स्ट इज 19. अंडर सेक्शन 100 सीपीसी सेकंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट फॉर एवरी डिक्री पास इन अपील बाय एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट टू हाई कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 20. Pleading shall contain. क्या contain करते हैं? Material fact only या फिर only law या फिर fact and law both. Material facts only. One is the answer. Pleading के बारे में कहाँ mention किया गया है ये चीज? Order 6 में. Next 21. An executing court can go behind the decree. No. Cannot go behind the decree. Yes. ये ठीक है. Depends on discretion. No. 3 is the answer. Section कौन सा applicable होगा यहाँ पे? सेक्शन लगेगा 47 सीपीसी. नेक्स्ट 22.
in which proceeding rule 3, 4 and 8 of order 22 shall not apply. Order 22 क्या है? Abatement of the suit, है ना? तो कहाँ apply नहीं होते ये? Execution of decree में नहीं होते, तो 4 इसका answer हो गया. Order 22 क्या है? Death, marriage and insolvency of the parties. Next 23, no preliminary decree is passed. कहाँ पर pass नहीं करते? अब इसके बारे में देखिएगा आप ऑर्डर 20 में, वहाँ पार्टीशन ऑफ सूट के बारे में लिखा हुआ है इन रूल 18, है ना. इन अ सूट सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सेल ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पर जो है प्रिलिमिनरी डिक्री नहीं होती है. इन सूट फॉर सीकिंग रिलीफ ऑफ फोरक्लोजर यहाँ होती है, रिडम्पशन यहाँ होती है. तो 2 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 24, द राइट टू लॉज कैबिट इज प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, तो कोई भी आसानी से बता देगा. दिस इज 148A, 4 इज द आंसर. एंड मैक्सिमम पीरियड कितना होता है इसमें? 90 डेज का. ये भी पूछते हैं कई बारी. नेक्स्ट 25, क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप मे बी करेक्टेड बाय द कोर्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी? 152, 2 इज द आंसर. 151 क्या है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. नेक्स्ट 6, अंडर सीपीसी ए कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन. कमीशन इशू कहाँ करते हैं? सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 75 और ऑर्डर भी दिया हुआ है. ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर है 26. फॉर एलिसिटेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट या फॉर असरटेनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इसके लिए कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. फॉर असेसिंग द अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट और डैमेज, यस. फॉर फ्रेमिंग द इशू, नो. ये तो कोर्ट करेगा, कोर्ट का काम है. तो 4 इसका आंसर रहेगा. मे नॉट इशू कमीशन फॉर फ्रेमिंग द इशूज. नेक्स्ट इज 7, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी प्रोविजन रिगार्डिंग ए सूट बाय इंडिजेंट पर्सन हैज बीन गिवन. अरे ये कितना इजी क्वेश्चन है. कहाँ पर है वह? ऑर्डर 33 में. तो 2 इसका आंसर रहेगा. ऑर्डर 34 किसके लिए है? मोर्टगेज सूट के लिए. 32 तो माइनर सूट हो गया. 32A क्या है? मैटर रिलेटिंग टू फैमिली. नेक्स्ट इज 8, अंडर ऑर्डर 43 सीपीसी अगेंस्ट विच ऑर्डर एन अपील शैल नॉट लाई. तो एन ऑर्डर टू सेट असाइड और रिफ्यूजिंग सेट असाइड सेल, तो यहाँ अपील हो जाएगी. एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज इंडिजेंट पर्सन, यहाँ भी अपील होगी. एन ऑर्डर ऑन एन ऑब्जेक्शन टू द ड्राफ्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, तो यहाँ भी हो जाएगा. व्हेन द सबॉर्डिनेट कोर्ट हैज एक्सरसाइज इट्स ज्यूडिशन इलीगली और मटेरियली और विद मटेरियल इररेगुलरिटी, तो इस पर जो है अपील लाई नहीं होती है. 4 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है ऑर्डर 43 में इसके बारे में. उसके लिए आप रिविजन डाल सकते हैं इन हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 115. नेक्स्ट इज 9, विच प्रोविजन और ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. देखिए समन्स ऑफ डिफेंडेंट के लिए कहाँ पर है? ऑर्डर 5 में. ऑर्डर 10 क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, है ना. एंड 16 क्या है? समन्स अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. 21 क्या है? एग्जीक्यूशन. तो आंसर क्या रहेगा? 3. नेक्स्ट इज 10, विच प्रोविजन ऑफ ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील्स विद प्रोडक्शन इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट. कौन सा प्रोविजन है ये? दिस इज ऑर्डर 13. 1 इज द आंसर. 5 में क्या है? समन्स अभी बताया, बात की है हमने अभी. 17 क्या है? 24 है पेमेंट्स इनटू कोर्ट. नेक्स्ट इज 11, अंडर सीपीसी लिटिगेंट हैविंग अ ग्रीवांस ऑफ सिविल नेचर हैज अ राइट टू इंस्टीट्यूट सिविल सूट इफ कोग्निजेंस इज नॉट एक्सप्रेसली बार्ड, इम्प्लाइडली बार्ड, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. नन ऑफ दीज. नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, ठीक है ना. सो 1 इसका आंसर है. इम्प्लाइडली के लिए मेंशन किया नहीं गया है, बिकॉज सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. नेक्स्ट इज 12, अंडर सीपीसी डिफेंडेंट कैन आस्क फॉर टेम्पररी इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ इफ. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ प्लेंटिफ थ्रेटन्स द डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट थ्रेट करेगा डिस्पोजेस हिम फ्रॉम द सूट प्रॉपर्टी, तब तो देंगे. यहाँ क्यों देंगे? यहाँ नहीं मिलेगा. द प्लेंटिफ थ्रेटन्स टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, डिफेंडेंट आना चाहिए, यहाँ भी नहीं मिलेगा. फिर इफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन डेंजर ऑफ बींग वेस्टेड एंड डैमेज और एलिनेटेड बाई द प्लेंटिफ, तब भी नहीं मिलेगा. इफ डिफेंडेंट थ्रेटन्स द प्लेंटिफ टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, तो मिल जाएगा यहाँ पर टेम्प्रेरी इंजंक्शन. यहाँ पर अगर डिफेंडेंट लिखा होता प्लेंटिफ की जगह, तो यहाँ पर फिर मिल जाता है इनमें भी. 4 इसका आंसर रहेगा. प्रोविजन कहाँ पर है? ऑर्डर 39 सीपीसी में. 13,
under CPC on death of either party to the suit between the conclusion of the hearing and pronouncing of the judgment, the suit shall not abate. Repeat question है, कई बार पूछ चुके हैं, है ना? टू इसका आंसर रहेगा. आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग अगर कुछ होता है तो ऐसा मान लेंगे कि वो जजमेंट के बाद ही डेथ हुई है. कहाँ पर प्रोविजन है इसका? ऑर्डर 22 है, रूल देखिए 6. टू इज द आंसर. नेक्स्ट इज 14. अंडर CPC हु इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन सिविल कोर्ट? वाइस प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर यूनियन है, जज एंड सुप्रीम कोर्ट है, चेयरमैन ऑफ UPSC. चेयरमैन ऑफ UPSC मेंशन नहीं किया गया है, तो 4 इसका आंसर रहेगा. प्रोविजन कहां पर है? ये सेक्शन है ये 133. नेक्स्ट 15. अंडर ऑर्डर 32 रूल 1 CPC ए माइनर मींस अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन मेजोरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट. 3 इज द आंसर. According to CPC, in connection with a suit by an indigent person, the suit is deemed to be instituted on when the application to leave to sue as pauper is made, या फिर when the application is admitted, या फिर rejected, या फिर when issues are framed. 1 इसका आंसर रहेगा. अब देखिए, लगने का तो ये लग रहा है कि CPC का क्वेश्चन है, बट ये मेंशन किया गया है इन सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. नेक्स्ट इज 7. Whether the pendency of a suit in foreign court will preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action? नहीं करेंगे. नो इसका आंसर रहेगा, बिकॉज फॉरन कोर्ट का जो अगर पेंडिंग है वहाँ, तो यहाँ पर रेस सब्जुडाइज नहीं लगेगा. तो 2 इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है रेस सब्जुडाइज का? सेक्शन 10. नेक्स्ट इज 8. द प्रोविजन ऑफ रेस जुडिकाटा ऑल्सो अप्लीकेबल टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑफ अ डिक्री. बिल्कुल ठीक है, बात है ये. यस, इसका आंसर रहेगा. 1 इज द आंसर. कहाँ प्रोविजन है रेस जुडिकाटा का? इन सेक्शन 11 CPC. नेक्स्ट इज 9. इन केस ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस, अ सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय, कौन कर सकता है? एडवोकेट जनरल, या फिर 2% विद द लीव ऑफ द कोर्ट. 2% हैविंग ऑब्टेंड ओरल कंसेंट, नो. रिटन कंसेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, नो. 2% विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, नो. 1 इसका आंसर रहेगा. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 91 ऑफ CPC. नेक्स्ट इज 10. वेयर द एपेलेंट हैज विदड्रॉन द अपील प्रेफर्ड अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टे, द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 शैल बी, क्या होगा वो? मेंटेनेबल है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अपील विदड्रॉ हो गई है. अगर डिसाइड हो जाती फिर नहीं होती. तो 3 इसका आंसर रहेगा. प्रोविजन बताई दिया, एक्सपायर डिक्री काम सेट असाइड करवाते हैं ऑर्डर 9 रूल 13 में. और ये सारे ही रिपीट क्वेश्चन हैं, ये आगे भी आपको देखने को मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज 11. वेदर ए माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी मे, इफ द सोल प्लेंटिफ अप्लाई दैट ए सूट इंस्टीट्यूट इन हिज नेम बाय नेक्स्ट फ्रेंड बी डिसमिस ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये. इन ऑर्डर 32 एंड रूल 14. नेक्स्ट इज 12. विद अ डिक्री इज फॉर पार्टीशन ऑफ अनडिवाइडेड एस्टेट असेस टू द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, द पार्टीशन ऑफ द एस्टेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स शैल बी मेड बाय, कौन करेगा? पटवारी, नाजिर, कलेक्टर, या फिर कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, नो. कलेक्टर करेगा. 3 इज द आंसर. और ये कौन सा प्रोविजन है? ये है सेक्शन 54 ऑफ CPC. नेक्स्ट इज 13. नो ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी शैल बी मेड वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ डिक्री डज नॉट एक्सीड 2000 rupees. 3 इज द आंसर. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 58 ऑफ द CPC. नेक्स्ट इज 14. प्लीडिंग मीन्स प्लेन टू रिजाइंडर, या फिर प्लेन टू रिटर्न स्टेटमेंट, या फिर प्लेन टू रिटर्न स्टेटमेंट और रिजाइंडर प्लेन अलोन. 2 इज द आंसर. प्लेन टू रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ मेंशन किया गया है? इन ऑर्डर 6. नेक्स्ट इज 15. ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट अंडर 7 रूल 11 ऑफ CPC, क्या होता है ये? इज अ डिक्री ऑर्डर या डीम डिक्री? इट इज अ डिक्री. 3 इज द आंसर. अगर आप डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 2 में, किसकी डेफिनेशन है? डिक्री की. तो वहां पर मेंशन किया गया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ऑल्सो डिक्री, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इन CPC एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट मस्ट
फ्रेम और रिकॉर्ड इशू, रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ या फिर असर्टेन वेदर द एग्रीगेशन इन प्लीडिंग आर एडमिटेड और डिनाइड, ऑल ऑफ द अबव रहेगा, फोर इज द आंसर। प्रोविजन कहाँ पर है ये, ऑर्डर है ये 14 फ्रेमिंग ऑफ इशूज में, एंड रूल 1 में ही मैंशन किया गया है। इस 13 अप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ एक्स पार्टे प्रोसीडिंग मे बी फाइल्ड विद इन एट और बिफोर द नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग, 4 इज द आंसर। वहाँ पर कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं लिखा हुआ है, ये मैंशन किया गया आप उसको सेट असाइड करवा सकते हो, बट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से आप पहले करवाना पड़ेगा, बिकॉज रूल 7 में ही लिखा हुआ है कि इफ ही अपीयर्स एट और बिफोर द डेट ऑफ सच हियरिंग, तो वो अगर गुड कॉज दे रहा है तो सेट असाइड कर सकते हैं ऑर्डर को। नेक्स्ट इज 14 अंडर सीपीसी मनी डिपॉजिटेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिक्री इफ लेस देन द डिक्रेटेड अमाउंट, तो क्या होगा, टू बी अप्रोप्रिएटेड फर्स्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड कॉस्ट या फिर अगेंस्ट प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर 50 अगेंस्ट प्रिंसिपल, 50 अगेंस्ट इंटरेस्ट को, 75 प्रिंसिपल, 25 इंटरेस्ट, नो टू बी फर्स्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, 1 इज द आंसर। प्रिंसिपल तो बाद में आएगा, देखिए ये डिसाइड हुआ था केस में, कौन सा केस था वो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब भेल वर्सेस आरएस अवतार सिंह, केस दे सकते हैं वहां मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द कोर्ट मे कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम अ समन्स हैज बीन इशूड अंडर ऑर्डर 30 ऑफ सीपीसी एंड फॉर दैट पर्पस मे इशू अ वारंट ऑफ हिज अरेस्ट, अटैच और सेल हिज प्रॉपर्टी और इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम, ऑर्डर टू डू फर्निश फॉर हिज अपीयरेंस एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू सिविल प्रिजन, डू ऑल ऑफ द अबव, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 16 Under Order 7 Rule 11 CPC, the plain shall not be rejected where it discloses cause of action. अब देखिए पहला ही लिखा हुआ है, it discloses. अब यहाँ लिखा होता अगर if not discloses तब तो reject करते हैं, अब ये जब disclose कर दिया cause of action तब क्यों करेंगे, तो यहाँ पर नहीं होगा। With a suit appears from the statement in the plain to be barred by law, ये हो जाएगा reject। यहाँ पर भी plaintiff fails to comply with the provision of rule, यहाँ भी reject हो जाएगा। यहाँ पर not file in duplicate तब भी reject हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 17 इन सी पी सी प्लीडिंग डज नॉट इंक्लूड प्लेन रिटन स्टेटमेंट मटेरियल फैक्ट्स, क्या आते हैं सब ये प्लेन्स में आते हैं, एविडेंस नहीं होता, 4 इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है, ऑर्डर 6 रूल 1 देखिए इसके लिए। 18 सी पी सी ऑन डेथ ऑफ आइदर पार्टीज विद अ सूट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट द सूट शैल अबेट शैल नॉट अबेट, ये मे अबेट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये अबेट नहीं होगा। देखिए रिपीट क्वेश्चन है ना, शेल नोट अबेट, कहाँ प्रोविजन है, ऑर्डर 22 रूल 6, कितनी बार पूछ चुके हैं सेम क्वेश्चन, आगे देखिएगा कितने क्वेश्चन सेम आए हुए हैं। 19 हु शेल फर्निश द एफिडेविट विच इज फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्लेंट द प्लेंटिफ वेयर देर इज मोर देन वन प्लेंटिफ बाय वन ऑफ देम, या फिर द पर्सन हु वेरीफाइज द प्लीडिंग ऑफ द प्लेंट, कौन करेगा, जो वेरीफाई करेगा प्लेंट को, प्लीडर ऑफ प्लेंटिफ, नो 3 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है, इसके लिए देखिए आप सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 6 रूल 15 का 4। नेक्स्ट इज 12 अंडर सेक्शन 151 सीपीसी इनहेरेंट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, कौन एक्सरसाइज करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एनी कोर्ट। सीपीसी में कोर्ट मेंशन नहीं किया ना, वैसे इस कोर्ट के लिए है, सबके लिए है वो, एनी कोर्ट, 4 इज द आंसर। और 151 पर केस कौन सा आता है, लैंडमार्क जजमेंट कौन सी है, मनोहर लाल वर्सेस हीरा लाल। 13 अंडर सीपीसी ऑन डेथ ऑफ आइदर पार्टीज विद अ सूट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट अ सूट, देखिए अगेन रिपीट क्वेश्चन फिर से, 14 में फिर आया, 13 में फिर पूछ लिया है ये, शैल नॉट अबेट, ऑर्डर बताइए 22, रूल बताइए 6। 14 Under CPC, if the court finds at any stage that it has no pecuniary jurisdiction with respect to the subject matter of the suit, it will क्या करेंगे, dismiss कर देंगे, proceed करेंगे, amend करेंगे, return कर देंगे, return कर देंगे, 4 is the answer। कहाँ provision है, order 7 rule 10 में। Next 15 Under CPC, which of the following is not a decree? Dismissal of suit in default ये decree नहीं होता, rejection of plaint is a decree, dismissal of suit in default, rejection of plaint both no।
वन इसका आंसर रहेगा। सेम क्वेश्चन हरियाणा जुडिशरी में भी देखने को मिल जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ से वहाँ से इधर से उधर से क्वेश्चन जो है लेते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एमबी में ही क्वेश्चन आया, बहुत जगह आया हुआ है पहले भी। नेक्स्ट 16, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20 रूल 7 सीपीसी द डिक्री शैल बियर द डेट ऑफ द डे ऑन विच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड या फिर ऑन विच डिक्री वाज मेड या पेटेंट वाज फाइल्ड फाइनल आर्गुमेंट, ऑन विच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड वन इज द आंसर। नेक्स्ट 17, इन अ समरी सूट प्रेजेंटेड अंडर ऑर्डर 37 सीपीसी इट इज नेसेसरी फॉर डिफेंडेंट टू अपियर बिफोर द कोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज और सर्विस ऑफ द समन्स ऑफ अपियरेंस, दैट इज 10 डेज, वन इज द आंसर। पहला ही ऑप्शन ठीक है और ये ऑर्डर 37 है, रूल कौन सा है, रूल है 3। नेक्स्ट 18, अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, सूट फॉर कलेक्टिंग द डेट ऑफ बर्थ इन सर्विस रिकॉर्ड ये है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू वर्शिप ये भी है, फॉर विंडिकेशन ऑफ मेयर डिग्निटी कनेक्टेड विद एन ऑफिस ये नहीं है, रिलीजियस ऑफिस ये हो जाएगा, तो 3 इसका आंसर रहेगा। सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में कहां पर बात की गई, प्रोविजन कहां है, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट 19, अंडर सीपीसी ए प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट हैविंग नो इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन या फिर पेकनरी और टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। देखिए जब पेकनरी और टेरिटोरियल पर है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी रिटर्न, इनहेरेंट पर हो जाएगी रिजेक्ट, तो 1 इसका आंसर रहेगा। प्रोविजन कहां पर, ऑर्डर 7 रूल 11 में, रिटर्न के लिए कहां है, ऑर्डर 7 रूल 10 में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12, अंडर सेक्शन 148 सीपीसी द कोर्ट कैन एनलार्ज टाइम नॉट एक्सीडिंग इन टोटल दैट इज 30 डेज, 4 इज द आंसर। ये भी रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 13, वेयर अ कैविट हैज बीन लॉज्ड अंडर सेक्शन 148 एसीपीसी व्हाट इज द टाइम पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ व्हिच सच कैविट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स, दैट इज 90 डेज, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 14, अंडर सीपीसी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट द प्लेंट, कहां रिजेक्ट नहीं होगी। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो सबसे पहले देखिए कोई छोटी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ, वेयर द प्लेंट डिस्क्लोजेस ए कॉज ऑफ एक्शन, जहां डिस्क्लोज कर दिया कॉज ऑफ एक्शन तो क्या वो रिजेक्ट होगी, नहीं होगी। तो यहां क्या पूछा है, कैन नॉट रिजेक्ट, देखिए यही आंसर हो गया है ना। फिर देख लेते हैं बाकी, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट द प्लेंट इज बार्ड बाय लॉ, तब तो रिजेक्ट हो जाएगी है ना। अब बड़ा देख लीजिए, वैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कभी कभी, वैसे तो 4 आंसर हो ही गया है, 4 इज द आंसर। वेयर द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड, तो ऑब्वियसली, और फिर कोर्ट ने जो है करेक्ट करने के लिए टाइम दिया और फेल टू डू सो, तो रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे, या फिर इनसफिशियंटली स्टैम वहां पर भी फेल कर दिया, तो इन तीनों केसेस में रिजेक्ट हो जाएगी। प्रोविजन वही ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 11 पे तो आपने इतने क्वेश्चन देख ही लिए हैं, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट 15, अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग अ डिक्री इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टी विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन सूट, बिल्कुल ठीक है। डिक्री कैन बी पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल, बिल्कुल ठीक है। दिस वुड नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ देम हो गया, 4 इज द आंसर। और सेक्शन का डिक्री का 2-2 डेफिनेशन है, 2-2 में। नेक्स्ट 16, अंडर सीपीसी डिफेंडेंट आस्क फॉर टेम्पररी इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ इफ देयर अपीयर टू बी डेंजर दैट द प्लेंटिफ वुड वेस्ट और एलिनेट द सूट प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल ठीक है। इफ प्लेंटिफ थ्रेटन टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर, इफ प्लेंटिफ थ्रेटन द डिफेंडेंट टू डिस्पोज ऑफ हिम फ्रॉम द सूट प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव रहेगा, 4 इज द आंसर। प्रोविजन कहाँ है ये, ऑर्डर 39 और रूल 1 देखिए इसके लिए। नेक्स्ट 17, अंडर सीपीसी व्हेन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज डिसमिस्ड अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, नो अपील लाइज, जो रिव्यू ले लिया फिर अपील क्यों करेंगे, रिव्यू कब लेते हैं जहां पर अपील है बट प्रेफर नहीं की, या फिर अपील है वो डिसमिस हो चुकी है तब रिव्यू डालते हैं ना, तो 2 इसका आंसर रहेगा। रिव्यू का प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47। नेक्स्ट 18, एन ऑर्डर पास विदाउट ज्यूरिडिक्शन अटेन्स फाइनलिटी इन फेवर ऑफ सम पार्टीज, वेदर प्रिंसिपल रेस जुडिकाटा अंडर सीपीसी वुड अप्लाई टू सच ऑर्डर बिटवीन द सेम पार्टीज, विदाउट ज्यूरिडिक्शन होगा तो नहीं होगा, तो आंसर रहेगा नो।
प्रोविजन का रहा जुडिकाटा का सेक्शन 11 सीपीसी, क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट 19, द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 सीपीसी टू इलुसिडेट द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट, टू रिकॉर्ड एविडेंस और सिक्योर एडमिशन। टू इलुसिडेट द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी वन इज द आंसर। नेक्स्ट 57, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 7 रूल 1 द डिफेंडेंट शैल फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन, अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 वो क्या है डब्ल्यू एस, डिफेंडेंट शैल फाइल हिज रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन 30 डेज, ए इज द आंसर। मैक्सिमम पीरियड कितना दिया गया है फॉर सफिशियंट कॉज 90 डेज। नेक्स्ट 58, इन सेकेंड अपील द री अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेज, अब देखिए बात कर रहे हैं सेकेंड अपील की, सेकेंड अपील किस पे होती है ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर एज पर सेक्शन 100 है कि नहीं, तो री अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगा वहां पर, नो वो तो वहां पर तो लॉ डिसाइड होगा, तो परमिसिबल सब्जेक्ट रिविजन नॉट परमिसिबल, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 59, टेम्पररी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू रेस्टेन एनी इलेक्शन, टू रेस्टेन डिस्पोजेशन from property, to restrain any intended disciplinary action against public servant in all the above circumstances, to restrain disposition from property, B is the answer, order 39. Next 60, where may suit for partition of immovable property be instituted, jahan pe subject matter or property is situated, डिफेंडेंट एक्चुअली और वॉलंटरी रिजाइड्स कैरी ऑन बिजनेस वर्क्स हो गए, प्रॉपर्टी का मैटर जहाँ प्रॉपर्टी होगी वहीं पर होगा, फोर इज द आंसर। प्रोविजन कहाँ है सेक्शन 16 में। नेक्स्ट 61, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस रिव्यू और जजमेंट मे नॉट लाई बाय डिग्री और ऑर्डर फॉर विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, तो यहाँ तो रिव्यू हो जाएगा, बाय अ डिग्री और ऑर्डर विच नो अपील अलाउड इन बाय दिस कोर्ट तब रिव्यू हो जाएगा, बाय डिसीजन ऑन रेफरेंस फ्रॉम अ स्मॉल कॉज कोर्ट तब भी रिव्यू हो जाएगा, वेयर अपील डिसमिस्ड जहाँ अपील डिसमिस हो गई है वहाँ पर तो नहीं होगा ना फिर, डी इज़ दी आंसर। अब ये थोड़ी अपील के लिए चले गए फिर रिव्यू डाल दिया, अपील का रिव्यू थोड़ी होगा। प्रोविजन का है रिव्यू का सेक्शन है 114 एंड ऑर्डर 47। नेक्स्ट 62, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज द कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन, तो कहाँ पर इशू नहीं होगा कमीशन, देखिए रिपीट क्वेश्चन है क्या नहीं है, सेक्शन है 75, ऑर्डर कौन सा है 26, फॉर एजुकेशन ऑफ अ डिग्री नहीं होगा, टू एग्जामिन इन पर्सन यस, पार्टीशन यस, टू होल्ड सर्टिफिकेट टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन यस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 63, एन एक्सपायर्ड डिग्री कैन बी सेट असाइड अंडर ऑर्डर 9 रूल 10 13 5 4 13, बी इज द आंसर, रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट 64, राइट टू विड्रॉ द सूट इज एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द प्लेंटिफ क्वालिफाइड या फिर फेटर्ड बाय सर्टेन कंडीशन, एब्सोल्यूट राइट है ये तो, ए इज द आंसर। ऑर्डर कौन सा है विड्रॉल ऑफ सूट का, ऑर्डर है ये 23। नेक्स्ट 57, अंडर प्रिंसिपल ऑफ सब जुडाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल कंडीशन फॉर स्टे ऑफ सूट, दैट द मैटर इन इशू इन अ सूट इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इज इन इशू इन द फर्स्ट सूट, ये एसेंशियल है, द पार्टीज ऑफ सेकंड सूट आर सेम, ये भी एसेंशियल है, दैट द कोर्ट इन विच सूट इज इंस्टीट्यूटेड इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम, ये भी है, प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन अ फॉरन कोर्ट, ये वाला नहीं है, फॉरन कोर्ट में जो पेंडिंग है वो सेक्शन 10 को अट्रैक्ट नहीं करेगा, डी इज द आंसर, और ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 58, इंटरप्रीटर सूट इज अ सूट बिटवीन टू एडवोकेट्स गवर्नमेंट प्लीडर या फिर बाय अ पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर या फिर हु हैज नो इंटरेस्ट, सी इज द आंसर। प्रोविजन कहाँ है ये, सेक्शन है ये 88, ऑर्डर कौन सा है 35। नेक्स्ट 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर से कौन सा नहीं डिसाइड होगा, ए सूट ऑफ सिविल नेचर सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा रिकवरी ऑफ मनी वाला हो जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर फाइल्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ये भी हो जाएगा, क्रिमिनल केस विच इज ऑफ नॉन कंपाउंडेबल नेचर, ये क्यों होगा जो क्रिमिनल केस है, तो डी इसका आंसर हो गया। सेक्शन कौन सा एडीआर के लिए, 89 सीपीसी। नेक्स्ट 60,
where the plaint is not filed in duplicate, the plaint may be written rejected. Reject कर देंगे. B is the answer. Order 7, rule 11. कितने बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं इससे तो. अब देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया 26 पर. क्वेश्चन है 61. In which of the following case commission under 26 cannot be issued? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया. To examine the witnesses, ये कर देंगे. Local investigation या scientific investigation या for appointment of receiver, ये क्यों करेंगे? D is the answer. रिसीवर की अपॉइंटमेंट कौन से ऑर्डर से होती है? ऑर्डर है इसका 40. नेक्स्ट 62. इन अ सूट अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, हु मे साइन द प्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या फिर चीफ सेक्रेटरी या फिर अ पर्सन हु मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द गवर्नमेंट. डी इज द आंसर. कहां प्रोवाइड किया गया है ये सेक्शन? है ये 85 ऑफ सीपीसी. नेक्स्ट 63. नो ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी शैल बी मेड वेयर टोटल अमाउंट ऑफ डिक्री डज नॉट एक्सीड. कितना है? 500, 1000, 2000, 5000. 2000 रुपीज सी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? 58. रिपीट क्वेश्चन है, तीन चार बार पूछ चुके हैं एमपी में. नेक्स्ट 64. द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन वेयर any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party. ye theek hai. where plaintiff can be compensated by money, yahan par to ti nahi denge. fir defendant threatened to remove dispose of the property with a view to defrauding the creditors, yahan de denge. lekin answer kya rahega? b. order is 39. this is also a repeat question. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. ए कैवियज लॉज्ड अंडर सेक्शन 148A शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज. डी इज द आंसर. दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन. 39. डॉक्यूमेंट विच आर मेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ अदर पार्टी मे बी प्रोड्यूस्ड टिल सेटलमेंट या आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इशूज. If at any time when required, at any time when required, C is the answer. Next 40. Where the appellant has withdrawn the appeal preferred against a decree ex parte, the application under order 9 rule 13 shall be. ये क्या repeat question नहीं है बताओ. Maintained, maintainable आना चाहिए यहाँ पे. C is the answer. Next 41. Under the provision of the code, an indigent can file a suit under order 33.33. Rule कौन सा? One ही तो लगेगा. A is the answer. Next 42. The doctrine of res judicata as contained in section 11 is based on the maxim. कौन से maxim पे base है? Nemo debet bis vixari pro una et idem causa. मतलब no one shall be vexed twice for the same cause. है ना? फिर ये interest publica ut sit finis litium. इसका meaning क्या है? इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिक इज इन फिनिशिंग लिटिगेशंस. फिर है लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया. इसका मतलब क्या है? लॉ डज नॉट रिक्वायर टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट. फिर है एग्जीक्यूशन ज्यूरिस नॉन हैबिट इंजूरियम. इसका मीनिंग क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ कॉजिंग नो इंजरी. देखिए मैगजीम तो सारी ही लगती हैं ये. जब भी हम कोई मेन्स में आंसर लिखते हैं तो ये सारी मैगजीम्स लिखते हैं वहां पर, है ना, ऑन सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा. जो मेन है जो वो है ए. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 43. ए कोर्ट मे नॉट फ्रेम इश्यू ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन कंटेंट मेड बाय द पार्टीज इन प्लीडिंग्स. तो होंगे ही, ऑथ भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा, एप्लीकेशंस पर नहीं होता. सी इज द आंसर. फ्रेमिंग ऑफ इश्यू कहाँ होते हैं? ऑर्डर 14 रूल 1. और इसके लिए देखिए आप रूल 5, वहां पर लिखा हुआ ये तीनों चीजें. नेक्स्ट 44. विच प्रोविजन ऑफ कोर्ट डील्स विद जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन? दैट इज ऑर्डर 2 रूल. कौन सा है? 1, 2, 3. 3. A is the answer. Next is 6. Power granted to a court under section 151 CPC is known as, कौन सी power है? Inherent appellate revision या फिर reviewing? Inherent power है ना. 1 is the answer. और किस court के लिए? हर एक court के लिए, supreme court, high court और any district court. Next is 7. An application for amendment of pleading is filed under
ऑर्डर सिक्स है ये, बिल्कुल ठीक है सिक्स ऑर्डर, बट रूल कौन सा? 17 ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 8, प्रोविजन विद रिगार्ड टू द जुडिकाटा आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन. अरे कितना इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछेंगे. सेक्शन 11 डी इज द आंसर. ये पहले के क्वेश्चन है इसलिए इजी लग रहे हैं, आज के टाइम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते. नेक्स्ट इज 9, ए पर्सन इंस्टीट्यूटिंग अ सूट इन फॉर्म ऑफ पॉपर इज नोन एज. अब देखिए बताओ क्या क्वेश्चन है ये. इंडिजेंट पर्सन डी इज द आंसर. ऑर्डर कौन सा है? 33. नेक्स्ट इज 10, ए सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट हूज ड्यूरेशन द प्लेंटिफ रिसाइड्स या फिर द स्टैम्प पेपर ऑफ एंट्री इन द कॉन्ट्रैक्ट वर परचेज या फिर वेयर नो कॉज ऑफ एक्शन वेयर द कॉज ऑफ एक्शन और इन पार्ट अराइज. डी इज द आंसर. इसके लिए देखिए आप सेक्शन 16-20 इन सीपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, टेम्परेरी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू रेस्टेन एनी इलेक्शन. नो. रेस्टेन डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यस. रेस्टेन एनी इंटरनेट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट नो. रिजल्ट एनी एडवर्स एंट्री अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट नो. बी इसका आंसर रहेगा. ऑर्डर 39. रिपीट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 2, इन हाउ मच टाइम रेस्पोंडेंट मे फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शन फ्रॉम अ डे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द हियरिंग ऑफ अपील. 15 डेज, 1 मंथ, 45, 21. इन 1 मंथ. बी इज द आंसर. कहां मेंशन किया गया है? ऑर्डर है 41. रूल कौन सा है? ये रूल है 22. नेक्स्ट 91, सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट वेयर द प्लेंटिफ रिजाइड्स. नो. प्लेंटिफ कैरियर्स ऑफ हिज प्रोफेशन. नो. सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड. नो. Where subject matter is situated, yes, with the permission of district judge court. No. C इसका answer रहेगा. Section देखेंगे इसके लिए कौन सा? 16 CPC. Next is 92. The court may make order for payment of compensatory cost for any party submitting false claim or defences. कितना है? Up to maximum 3,000 or pecuniary jurisdiction of the court, whichever is lower. B is the answer. का mention किया गया है in section 35A of CPC. नेक्स्ट 93, क्वेश्चन विच शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री. डिक्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड ये नहीं कर सकते. वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी ये कर सकते हैं. डिक्री ऑब्टेन्ड बाय कोलिजन ये नहीं कर सकते. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री. आता है ना ये स्टेटमेंट, पहले भी हमने किया है क्वेश्चन में. सेक्शन कौन सा लगेगा? 47. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 94, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कौन सी होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर सकते हैं क्या? यस. प्रोमिसरी नोट कर सकते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट ये क्यों करेंगे? ये नहीं कर सकते. बॉन्ड ये कर सकते हैं. तो सी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा लगेगा अटैचमेंट के लिए? सेक्शन है 60, वहाँ लिखा हुआ है. नेक्स्ट 95, कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन टू एग्जामिन एनी पर्सन एग्जामिन अकाउंट्स टू परफॉर्म मिनिस्ट्रियल एक्ट टू अरेस्ट अ पर्सन. तो डी आंसर रहेगा इसका. कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं ये. कमीशन वाला तो आता ही आता है. सेक्शन है 75. ऑर्डर है 26. नेक्स्ट 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पावर ऑफ एपलेट कोर्ट. द एपलेट कोर्ट हैव पावर टू डिटरमाइन अ केस फाइनली. बिल्कुल है जी. पावर टू रिमांड द केस यस. नॉट हैव द पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस ये रॉन्ग है. हैव द पावर. हैव द पावर टू फ्रेम और रेफर फॉर ट्रायल बिल्कुल ठीक है. तो सी इसका आंसर हो गया. अपलेट कोर्ट की पावर कहाँ लिखी हुई है? ऑर्डर 43 में. नेक्स्ट 97, द प्लेन शैल नॉट बी रिजेक्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. अब देखिए फिर से रिजेक्शन ऑफ प्लेन पे क्वेश्चन है. ऑर्डर 7, रूल 11 पर. वेर अ प्लेन नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन डज नॉट आएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट हो जाएगी. नॉट सबमिटेड बाई एन एडवोकेट ये कोई कंडीशन नहीं है. रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड या फिर सूट अपीयर्स विद स्टेटमेंट दैट बार्ड बाय लॉ. तो इन तीनों पे जो है बार हो जाएगी, इस पर नहीं होगी. तो बी इसका आंसर रहेगा. ऐसे 98, ऑक्शन परचेजर शैल पे फुल अमाउंट ऑफ परचेज मनी. अगर ऑक्शन ने परचेज किया तो आपको कितने दिन के अंदर सारा पेमेंट करना पड़ता है? दैट इज विद इन 15 डेज. बी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है ये? इन ऑर्डर 21, रूल 85 में. नेक्स्ट
question 99, which one of the following is not an essential condition for application of res judicata? Previous suit was finally heard and decided by the court of competent jurisdiction. बिल्कुल ठीक है ये. Previous suit must be pending before a court. No, it is not. Parties in previous and the subsequent suit must be the same. Subject matter of the previous and subsequent suit. Must be same. ये बिल्कुल ठीक है. तो B is not an essential condition. B is the answer. Section 11, res judicata. Next is 100. Proceeding in a suit relating to minor shall not be stayed. कब stayed नहीं करेंगे? On retirement of next friend of minor या फिर attaining majority of minor या फिर removal of next friend of minor या फिर death of next friend. देखिए retirement, removal और death इनके बारे में लिखा गया है ऑर्डर 32 रूल 8 9 एंड 10 में कि वो स्टे हो जाएंगी. मेजोरिटी पर स्टे नहीं होती. तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 81. ए डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड. कौन एग्जीक्यूट करेगा? बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री. यस. बाय एनी अदर कोर्ट टू विच डिक्री हैज बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन. यस. बोथ आर करेक्ट. सी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 38 ऑफ सीपीसी में. नेक्स्ट 82. एनी ऑब्जेक्शन टू इंटरोगेटरीज मे बी टेकन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज रेलेवेंट स्कैंडलस नॉट एग्जिबिटेड बोनाफाइड. एनी ऑफ द अबाउट. डी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है ये? इन ऑर्डर 11 रूल 6 में. नेक्स्ट 83. ए डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी हो सकती है, फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल हो सकती है. यस. एज ए प्रिलिमिनरी और फाइनल. डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा डिग्री का? 22 ऑफ सीपीसी. नेक्स्ट 84. मोहन इज राइडिंग इन मुंबई बीट्स सोहन इन दिल्ली. सोहन मे सू मोहन. कहाँ सू करेगा उसको? आइदर मुंबई और दिल्ली जहाँ पर मोहन रहता है या फिर जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है. सी इसका आंसर रहेगा. एंड दिस इज इलस्ट्रेशन ए इन सेक्शन 19 ऑफ सीपीसी. नेक्स्ट 85. प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सूट्स ओनली आफ्टर एग्जीक्यूशन. टू सूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 86. इन केस ऑफ फेलियर ऑफ फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज द डिफेंडेंट कैन बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग व्हिच शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज. सी इज द आंसर. मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है दैट इज 90 डेज. Mentioned in order 8, rule 1, CPC. Actually 87. The plaint shall be rejected by the court under order 7, rule 11E of CPC if it is not filed in duplicate, triplicate, quadruplicate. Duplicate. A is the answer. Next is 88. Pleading means. देखिए रिपीट क्वेश्चन नहीं है. रिपीट क्वेश्चन है ये. बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है. प्लेंट ओनली रिटर्न स्टेटमेंट. प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट. सी इज द आंसर. ऑर्डर 6 रूल 1 में मेंशन किया गया है ये. 89. एन एक्सपायर्ड डिग्री कैन बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट समन्स वर नॉट ड्यूली सर्व्ड. यस ठीक है. नॉन अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट एज कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद प्लेंट वर नॉट प्रोवाइडेड टू द डिफेंडेंट. तो इस ग्राउंड सेट असाइड नहीं होगा. Defendant refused to receive summons and thereafter no fresh summons were issued. Refuse कर दिए तो it is a valid service. फिर expired decree cannot be set aside. ये wrong है. तो A इसका answer रहेगा. Provision कहाँ है? Setting aside expired decree order 9 rule 13 में. सब जानते हैं. Repeat questions हैं बहुत सारे. Next is 90. Document which are meant for cross examination of a witness of the other party or meant for refreshing memory of the witness may be produced. कब करेंगे? एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशूज या फिर आफ्टर सेटलमेंट या फिर एट एनी टाइम वैन दे आर रिक्वायर्ड या फिर अलॉन्ग विद प्लीडिंग्स. एट एनी टाइम वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट दे कैन प्रोड्यूस इट. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 91. प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड बिफोर ट्रायल कोर्ट ओनली या फिर फर्स्ट अपलेट कोर्ट या फिर आइदर ट्रायल और फर्स्ट अपलेट कोर्ट और सेकेंड अपलेट. सी इज द आंसर. एनी कोर्ट. प्रोविजन कहाँ है अमेंडमेंट का? 6 ऑर्डर 6 रूल 17 में. This is 92. Period of detention in civil prison as a consequence of disobedience or breach of any injunction shall not exceed. Exceed नहीं होना चाहिए. 3 months. B is the answer. कहाँ mention किया गया है? In order 39, rule कौन सा है? 2A.
93, a judgment passed by a court can be reviewed by the court passing the judgment, obviously district court, high court. Now रिव्यू तो वही होता है, तो सेम कोड उसको जो है दोबारा से देखे. तो ए इज द आंसर. रिव्यू का प्रोविजन कहाँ पर? सेक्शन 114, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, 113, 114, 115. नेक्स्ट 94, कैविट शेल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, देखिए कितना क्या रिपीट क्वेश्चन नहीं है, इतना रिपीट क्वेश्चन है ये. तो सी इज द आंसर, 90 डेज. प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 148A ऑफ CPC. This is 25. In reference of district court, which one of the following statement is not correct? It can transfer any suit, appeal, other proceedings pending before it for trial to any court subordinate to it and competent to try and dispose of the same. ये बिल्कुल ठीक है. It can withdraw any suit, appeal, other proceedings pending in any court subordinate to it. बिल्कुल ठीक है. It can try dispose of suit, appeal. अब दोनों मिला के ना यहाँ पर एक लिख दिया, ये भी ठीक है. फिर it cannot re-transfer any suit, appeal, other proceeding to the court from which it was withdrawn. ये wrong हो गया, D is the answer. कहाँ mention किया गया है इसके बारे में? In section 24 of CPC में. Next is 26. Under section 34 of CPC, court can award interest from the date of decree to the date of payment or such earlier date as the court thinks fit. Rate of such interest shall not exceed. अभी यहाँ shall not exceed 9, 10, 6, 12, 6%. C is the answer. Next is 27. Any amount which a court will order to be paid as compensatory cost in respect of false or vexatious claim or defenses shall not exceed the amount, kitna? 3,000 rupees over the amount within its pecuniary jurisdiction, whichever is less. B is the answer. Ka mention kiya gaya hai in section 35A of CPC. Next is 28. During the proceeding of execution of a decree, a question arises as to whether a person is or not the representative of the parties. Such question shall be determined by कौन decide करेगा? The court which passed the decree, या फिर court executing appellate court. जो court execute कर रहा है वही decide करेगा. B is the answer. Section 47 will be applicable. Next is 29. A judgment debtor is arrested in execution of a decree for the payment of money and the judgment debtor pays the amount of decree and the cost of the arrest to the officer arresting him. Such officer क्या करेगा उसको? Shall send the judgment debtor to civil prison, या फिर to the court, या फिर release him. At once release him. C is the answer. जब payment कर दिए तो release कर देंगे. कहाँ provide किया गया है ये? In section 55(1) और उसका proviso 3. C इसका answer रहेगा. Next is 30. Under section 80 CPC, dash notice in writing is required to be delivered before institution of a suit against the government. कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है? 90 डेज, 60 डेज, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स. 2 मंथ्स नोटिस होता है. डी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन बता ही दिया 80. नेक्स्ट 31. ए लेट्स ए हाउस टू बी एट अ ईयरली रेंट ऑफ रुपीज 500. द रेंट फॉर द होल ऑफ ईयर्स 1905, 6 एंड 7 इज ड्यू एंड अनपेड. ए सूज बी इन 1908 ओनली फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1906. 5 और 7 का नहीं मांगा तो क्या होगा? A can afterwards sue B for the rent of 5, 7, या फिर cannot sue. D is the answer. कौन सा प्रोविजन लगेगा यहाँ पर? Order 2, Rule 2, ठीक है ना? Next is 32. Any court will order a party who resides without the local limits of the court's ordinary original jurisdiction to appear in person if he resides within India, if within local limit of the state in which court is situated, या फिर local limits of that district in which court is situated, या फिर from the place where the court is situated. जहाँ पर court होगा, जो जगह है जहाँ court situated है, उसके certain limit में है. D इसका answer रहेगा. Next is 33. A suit may be dismissed where after a summons has been issued to the defendant and returned unserved. Plaintiff fails to apply a fresh summons for the period of dash from the date of such return. 30 days, 60 days, 1 month, 7 days. It is 7 days. D is the answer. Kaha provision hai iska? In order 9, rule 5 mein. Dekhiye, pehle ye 3 months bhi tha, uske baad fir ye 1 month hua. Fir 7 days hua. 7 days kab aaya?
फ्रॉम द 1999 की अमेंडमेंट से विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2002। Next 34, date appointed by any court for presenting list of witnesses by the parties to obtain summons to them for their attendance in court shall not later than 10 days, 15 days. 15 days B is the answer. कहाँ mention किया गया है? Order 16, rule 1 में. Next 35, in a suit plaintiff himself wishes to appear as a witness without any permission of court, he may so appear at any time before evidence from plaintiff side is over या फिर defendant side is over, if your argument is over, only before any other witness on his behalf has been examined. D is the answer. कहाँ provide किया गया है ये? ये provide किया गया है in order 18, rule 3A में. Next 36, after passing a decree for the payment of money on the application of the judgment debtor, the court shall not order that payment of the amount of decree shall be made by installment. Without recording evidence, without obtaining affidavit both parties, या फिर without document regarding financial condition, या फिर without the consent of decree holder. Decree holder की consent सही होगा. D इसका answer रहेगा. कहाँ mention किया गया है ये? Order है ये 20, rule है 11/5. Next question number 1. If in any case in which defendant sets up counterclaim, the suit for plaintiff is stayed, discontinued or dismissed, the counterclaim क्या वो रहेगा या फिर वो भी खत्म हो जाएगा? Shall be stayed या फिर nevertheless be proceeded with because counterclaim is always a separate suit, है ना? उस पर फिर court fees भी separate लगती है. B इसका आंसर रहेगा. Provision का है counterclaim का? Order 8, rule 6A में. Next is 2, whether decree is for the payment of sum of money exceeding 1000 rupees, the period of prison shall not exceed. अब देखिए 1000 है. Now जो minimum payment है that is 2000 rupees. ये जो है 1999 की amendment से इसको change कर दिया गया था, 1000 को 2000 कर दिया गया था. 2000 से ऊपर है तभी जो है imprisonment होगी civil prison में, अदरवाइज नहीं होगी. तो ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा. ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पहले भी पूछ चुके हैं कई बारी. 1998 का पेपर है तो आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज 3, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट. फॉर्मर इंडियन रूलर इनको मिल जाएगी, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट काउंसिल को मिल जाएगी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को मिल जाएगी, कलेक्टर को नहीं मिलेगी. डी इसका आंसर रहेगा. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 133 ऑफ सीपीसी में. नेक्स्ट इज 4, कैबिट शेल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द, है ना, रिपीट क्वेश्चन, टिकटो क्वेश्चन पूछे हुए हैं. 90 डेज सबको पता है. प्रोविजन का है 148A में. नेक्स्ट इज 5, इफ अ पार्टी हु हैज ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड प्लीडिंग डज नॉट अमेंड द सेम विद इन हाउ मेनी डेज, ही शैल बी नॉट बी परमिटेड टू डू विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट. विद इन 14 डेज. बी इज द आंसर. कहाँ मैंशन किया गया है? इन ऑर्डर 6, रूल 18 में. Next is 6, where the plaint has been rejected, the plaintiff on the same cause of action may present a fresh suit या फिर cannot present a fresh suit. May present fresh suit with the leave of the High Court. No. May present A is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? Order 7, rule 13 में. Next is 7, where a suit is dismissed under rule 2 or 3 of order 9, the plaintiff may bring a fresh suit subject to law of limitation. बिल्कुल ठीक है. cannot bring, no, may with the leave of High Court decision. No. A इसका आंसर रहेगा. एंड ये जो है ऑर्डर 9 के रूल 4 में ही प्रोवाइड किया गया है. नेक्स्ट इज 8, इन विच कंडीशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन मे रिफ्यूज टू प्रोड्यूस अ प्रिजनर फॉर एविडेंस डिस्पाइट कोर्ट्स ऑर्डर विद द प्रिजनर रिलेटेड टू रूलिंग पार्टी, एक्स मिनिस्टर, गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर द मेडिकल ऑफिसर हैज सर्टिफाइड दैट प्रिजनर इज अनफिट टू बी रिमूव्ड बाय द रीजन ऑफ सिकनेस. डी इज दी आंसर. प्रोविजन कहाँ है ये? सेक्शन 59 सीपीसी में. नेक्स्ट इज 9, वेर एनी प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड द कोर्ट बाय एनी रीजन पासिस एन ऑर्डर डिसमिसिंग द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन बट ओमिट्स टू गिव एनी डायरेक्शन एज टू अटैचमेंट. तो अटैचमेंट शैल बी डीम टू हैव सीज, या फिर सीज आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ, डीम टू बी सीज्ड
ए इज द आंसर. प्रोविजन कहाँ है? ऑर्डर 21 है. एग्जीक्यूशन का ऑब्वियसली रूल कौन सा है? ये रूल है 57. नेक्स्ट इज 10. वेर एनी पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन एंड बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, तो क्या होगा? सूट शैल अबेट या नॉट अबेट? ये तो आंसर आप ही बता सकते हो, इसका इतनी बार रिपीट हो चुका है. बी इज द आंसर, शैल नॉट अबेट. प्रोविजन वो भी बता दो. ऑर्डर 22 एंड रूल कौन सा है? 6. नेक्स्ट 11. वेर अ डिक्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज विच वॉज नॉट लॉफुल देयर, सूट शैल लाई टू सेट असाइड सच डिग्री, या फिर नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड सच डिग्री. सूट तो लाई करेगा, अपील करवा लो यार आप, है ना? तो सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 12. वेर एन इंडिजर पर्सन सक्सीड्स द कोर्ट फी शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट रिकवरेबल, या फिर फ्रॉम द प्लेंटिफ. भाई देखो, अब मान लो इंडिजेंट पर्सन है, उसने केस किया, ये प्लेंटिफ है ऑब्वियसली, और फिर डिफेंडेंट है. अब यही केस जीत गया, मतलब इसके पास पैसे आए, तो उसी से कोर्ट फीस लेंगे फिर पैसे से ही. तो फ्रॉम द प्लेंटिफ, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 13. एन अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट इन अ सूट विच इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट, तो क्या होगा? शैल नॉट बिकम रिवाइव्ड, तो द अटैचमेंट शैल नॉट रिवाइव्ड मेयरली बाई रीजन ऑफ द फैक्ट दैट ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट और डिफॉल्ट हैज बीन सेट असाइड. तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वो अटैचमेंट हट जाएगी, तो अटैचमेंट जो है रिवाइव नहीं करेगी, जब अगर मान लो कि जो डिसमिसल ऑफ सूट का ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया है ना, फिर से अटैचमेंट करवानी पड़ेगी. ये तो ए ही इसका आंसर रहेगा, या लिखा हुआ है ऑन द बेसिस रिस्टोरेशन अपलेट कोर्ट हाई कोर्ट नो. प्रोविजन है इसका ऑर्डर 38, अरेस्ट और अटैचमेंट का ऑर्डर जो है. रूल कौन सा है? रूल है 11A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज वेदर एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन शैल ऑपरेट एज जुडिकाटा इन सब्सिक्वेंट सूट दैट द अपोजिट कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई. अब देखिए यहाँ बात क्या की गई है, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन की. तो सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 8 में देखेंगे, तो वहाँ लिखा हुआ अगर लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन वाला भी है तब भी वो एज जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा. यस, इसका आंसर हो जाएगा बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 2. एन इमोबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वाई सिचुएटेड एट भोपाल एंड द रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एट इंदौर. ए सूट टू ऑब्टेन कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू द प्रॉपर्टी मे बी इंस्टीट्यूटेड जहां पर डिफेंडेंट रहता है, या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या फिर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है. तो भोपाल और इंदौर दोनों में ही हो सकता है. सी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 19 CPC. नेक्स्ट इज 3. वेदर लायबिलिटी इन रिलेशन टू सम एडजस्ट हैज नॉट अराइजन आउट ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन द मैक्सिमम ईयरली रेंट ऑफ इंटरेस्ट अवार्डेबल अंडर सेक्शन 34 ऑफ CPC फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी टू डेट ऑफ पेमेंट इज कितना रहेगा? वो 6%. डी इज द आंसर. अगेन रिपीट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 4. वे द डिक्री इज फॉर द पार्टीशन ऑफ एन अनडिवाइडेड एस्टेट एसेस टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड द पार्टीशन ऑफ द एस्टेट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स शैल बी मेड बाय, कौन करेगा? नायब तहसीलदार, नाजिर, कलेक्टर? द कलेक्टर. सी इज द आंसर. प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 54. अगेन ए रिपीट क्वेश्चन. नेक्स्ट 5. इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अदर देन डिग्री फॉर मेंटेनेंस पास्ड अगेंस्ट ए व्हाट शैल बी द अटैचेबल पोर्शन ऑफ हिज सैलरी इफ हिज सैलरी इज ₹700 per month. देखिए पुराना प्रोविजन है ये, ठीक है. अब जब अमेंडमेंट आई 1999 की, है ना, तो अब क्या कर दिया गया है? फर्स्ट 1000 एंड अदर 2/3 आप जो है सैलरी अटैच नहीं कर सकते अदर देन डिग्री फॉर मेंटेनेंस में. तो उस टाइम पर तो ₹100 था, आज के लिए देख लीजिए फिर क्या बनेगा. मान लो 7000 आ जाए तो कितना होगा फिर? पहले मैं 1000 हटा दो आप, उसका 2/3 हटा दो 6 का, तो कितना हो जाएगा फिर? 6 का 1/3 अटैच कर लेंगे तो कितना गया? ₹2000. प्रोविजन कहाँ है इसका? सेक्शन 60(1) एंड इसमें क्लॉज आई. नेक्स्ट 6. इन अ सूट विच रिलेट्स टू रेलवे द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट शैल बी रीजनल मैनेजर ऑफ द रेलवे या फिर सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट. ए इज द आंसर. का मेंशन किया गया है ये इन सेक्शन 79 ऑफ CPC में. नेक्स्ट इज 7. इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस ए सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन मे बी इंस्टीट्यूट बाय, कौन इंस्टीट्यूट करेगा? 2% विद द लीव ऑफ द कोर्ट. यस ठीक है ये. ऑब्टेन ओरल कंसेंट ऑफ नो, रिटन कंसेंट ऑफ एडवोकेट जनरल नो, 2% विद होम नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज नो. ए इज द आंसर. सेक्शन है ये 91, वहाँ लिखा हुआ है तो एडवोकेट जनरल या फिर 2% विद द लीव ऑफ द कोर्ट. अगेन रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बारी आ चुका है.
दिस इज 8 एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 151 इज क्या है, अपीलेबल है, रिवाइजेबल है, नॉट लाइबल टू बी इंटरफेरेबल, नॉट रिव्यूएबल, इसको रिवाइज करवा सकते हो, बी इज द आंसर। रिविजन का प्रोविजन कहाँ पर है, सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट इज 9, वेर इन अ सूट द डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस एंड देर इज नो लाइकलीहुड ऑफ बीइंग फाउंड एट रेजिडेंस विद इन अ रीजनेबल टाइम, सर्विस ऑफ द समन मे बी मेड ऑन, किस पर कर सकते हैं, जब डिफेंडेंट नहीं है तो कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को देंगे आप, तो माइनर है तो नहीं होगा, एडल्ट डॉटर है या मुनीम नहीं है, तो सी इसका आंसर है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि मुनीम जो है फैमिली मेंबर है या नहीं है, सर्वेंट है या मेंबर है या नहीं है, तो वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इन ऑर्डर 5 रूल 15 में क्या कि सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10, इन विच द फॉलोइंग केसेस कैन सी सेट ऑफ द क्लेम, ए सूज सी ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज, सी एलिजी दैट ए हैज रॉन्गफुली नेगलेक्ट टू एंश्योर सी इज गुड, तो यहाँ पर सेट ऑफ तो होगा नहीं, ए सूज बी एंड सी फॉर रुपीज 1000, ए डेट इज ड्यू टू सी बाय ए अलोन, तब भी नहीं होगा, बी अलोन तब भी नहीं होगा, ए सू सी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 500, सी फॉर जजमेंट अगेंस्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ डेट ऑफ रुपीज 1000, तो यहाँ सेट ऑफ हो जाएगा, है ना, तो डी इसका आंसर रहेगा। दिस इज इलस्ट्रेशन इन ऑर्डर 8 रूल 6 प्रोविजन फॉर सेट ऑफ। This is 11, where the appellant has withdrawn the appeal referred against a decree passed ex parte, the application under order 9 rule 13 shall be, क्या करेंगे, rejected, return maintainable, it will be maintainable obviously, C is the answer, repeat question, कितनी बार पूछेंगे ये वाला, ये बताओ, एक ही question पूछते रहते हैं। This is 12, the court shall reject an application to sue as an indigent person where it contains the particular required in regard to plaint, यहाँ तो नहीं करेंगे, फिर presented to the court by the applicant in person तब भी नहीं होगी, reject, where applicant alleging show a cause of action तो यहाँ भी नहीं होगी, फिर any other person has entered into an agreement with the applicant to finance litigation, तो यहाँ तो जो है reject हो जाएगी, D इसका आंसर रहेगा। rejection का provision कहाँ पर है, order 33 है indigent person के लिए और उसमें rule 5 में लिखा हुआ है grounds for rejection। नेक्स्ट इज 13, द कोर्ट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर डिक्री वेर इट अपीयर्स द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, ऑब्वियसली सूट प्रॉपर्टी इज इन डेंजर ऑफ बींग सोल्ड, एग्जीक्यूशन नहीं, डिस्पोजल ऑफ द नहीं, डिफेंडेंट हैज सब्सकॉन्डेड नो, जब कोर्ट को ठीक लगेगा तभी होगा, ए इज द आंसर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का प्रोविजन कहाँ पर है, ऑर्डर 40। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ CPC, which came in the exam paper of Madhya Pradesh Judicial Services from 1996 to 2022. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं, वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो, तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर, आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।